नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको पित्त की नली में पथरी यानी कि बाइल डक्ट स्टोन और उसके इलाज का जो तरीका है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ERCP बोलते हैं, के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपने पित्ताशय की पथरी के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, जो कि एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन कभी कभी ये पित्ताशय की पथरी वहाँ से निकल करके पित्त की नली में फंस जाती है। अगर ये पथरी पित्त की नली में फंस जाए, पित्त की नली का आकार मुश्किल से 4-5 मिलीमीटर का होता है, उसमें अगर ये 5-10-15 मिलीमीटर की पथरी निकल करके फंस जाए तो रोगी को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे रोगी के पेट में तेजी से ऊपर वाले हिस्से में दर्द होगा, जो कि छाती के नीचे वाले हिस्से में भी जा सकता है। जनरली ये छाती के सेंटर में होता है दर्द। ऐसे रोगी को बाद में पित्त के प्रवाह में रुकावट की वजह से पीलिया हो सकता है, यानी कि उसकी आंखें पीली हो जाएगी, उसके पेशाब का रंग पीला हो जाएगा, और आगे जाकर के ऐसे रोगी को ठंड लग करके तेज बुखार आ सकता है। और अगर ये तीनों लक्षण एक साथ में है कि उसको पेन भी है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया भी है और बुखार भी है, तो यह एक चिंता का विषय है, यानी कि उसको कोलिनजाइटिस नाम की बीमारी हो चुकी है और उसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आगे जा कर के रोगी गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। इस फंसी हुई पथरी को निकालने के लिए सबसे अच्छा और सर्वमान्य जो इलाज है वो है ERCP। ERCP एक बहुत अच्छा सा प्रोसीजर है, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और उसको करने वाले को काफ़ी मेहनत लगती है। इस प्रोसीजर के दौरान रोगी के मुंह और गले के रास्ते से एक दूरबीन को पेट में उतारा जाता है, जिसके आगे एक कैमरा लगा हुआ होता है, और ये दूरबीन पेट से थोड़ी सी आगे छोटी आँख के नीचे वाले हिस्से तक जाती है, जहाँ पे पित्त की नली का मुंह छोटी आँख में खुला होता है, और वहाँ जाकर के फिर पित्त की नली के अंदर एक पतला सा वायर डाला जाता है, और वायर के ऊपर ही एक पतली सी ट्यूब डाली जाती है, और फिर पित्त की नली में हम लोग एक दवाई डालते हैं जिसको कंट्रास्ट बोलते हैं। तो कंट्रास्ट डालने से पित्त की नली का एक अच्छा सा एक्सरे पिक्चर लिया जा सकता है, और उस पिक्चर से हमें मालूम पड़ेगा कि क्या पित्त की नली के अंदर कोई पथरी है, एक पथरी है या बहुत सारी पथरी है, या पित्त की नली सिकुड़ गई है, या पित्त की नली में से बाइल का लीक हो रहा है, या और कोई बीमारी है। और फिर जैसे ही हमको मालूम पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका इलाज ERCP के दौरान उसी समय कर सकते हैं। ERCP करने के लिए रोगी को हमें भर्ती करना पड़ता है, और ERCP से पहले रोगी को 6 से 8 घंटे पहले कोई खाना या खुराक नहीं खानी चाहिए। उसके बाद में रोगी को हम बेहोशी की दवा देकर के बेहोश करते हैं, जिसको शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, और बेहोश करके फिर इस दूरबीन के जरिए ही हम पित्त की नली के मुंह को एक गर्म वायर से चौड़ा करते हैं, और उसके बाद में पित्त की नली के अंदर एक पिचका हुआ गुब्बारा डालते हैं या एक अंदर एक बास्केट डालते हैं। गुब्बारा या बास्केट दोनों काम में लिए जा सकते हैं। पित्त की नली के अंदर डालते हैं और उसके बाद में गुब्बारे को फुला करके जब हम नीचे खींचते हैं या बास्केट को जब हम नीचे खींचते हैं, तो उसके साथ ही पित्त की नली में फंसी हुई जो पथरी है वो बाहर निकल जाती है। पथरी को निकालने के बाद में हम डिस्टिल वाटर से पित्त की नली की अंदर से सफाई करते हैं, और उसके बाद में पित्त की नली में एक छोटी बॉल पेन की रिफिल जैसा प्लास्टिक का स्टैंड डाल देते हैं। ऐसा करने से पित्त का प्रवाह सुचारू रूप से चालू रहता है। अगर ERCP के दौरान हमें मालूम पड़े कि पित्त की नली अंदर से सिकुड़ी हुई है, यानी कि पित्त की नली में स्ट्रिक्चर हो गया है, तो उसका भी इलाज ERCP के दौरान हो सकता है। मालूम करने के लिए कि स्ट्रिक्चर किस तरह का है, तो हम उस स्ट्रिक्चर उस पित्त की नली के अंदर एक पतला सा ब्रश डालते हैं, और उस ब्रश से हम जो पित्त की नली का सिकुड़ा हुआ भाग होता है वहाँ से कुछ ऐसे कण लेते हैं, और फिर हम उस ब्रश को बाहर निकाल करके उसके कण एक स्लाइड के ऊपर लगाते हैं, और फिर उसी स्लाइड को एक विशेष जांच के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, जिसको साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि साइटोलॉजी की जांच। इस जांच से मालूम पड़ेगा कि पित्त की नली जो सिकुड़ गई है उसका कारण क्या है, क्योंकि कभी कभी पित्त की नली की सिकुड़न का कारण पित्त की नली का कैंसर भी हो सकता है, और ये जानना जरूरी है। ERCP का प्रोसीजर नॉर्मली 1.5 घंटे से 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। उसके तुरंत बाद रोगी होश में आ जाता है,
और अगर कोई तकलीफ नहीं है तो 6 घंटे बाद हम रोगी को मुंह से खुराक देना चालू कर देते हैं। और अगर प्रोसीजर की कोई पेशेंट रोगी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसी दिन अगर सुबह प्रोसीजर हुआ तो हम शाम को भी कभी कभी रोगी को डिस्चार्ज कर देते हैं, और शाम को प्रोसीजर हुआ है तो अगले दिन हम रोगी को घर भेज देते हैं, जो कि ईआरसीपी के लिए एक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा करने से रोगी को काफ़ी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट लग जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो कभी कभी हम रोगी को अस्पताल में 2-3 दिन तक रखते हैं, उसको एंटीबायोटिक देते हैं, और ऐसा करने से रोगी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जो पित्त की नली में हम स्टेंट लगाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो प्लास्टिक का स्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया एक बॉल पेन के रिफिल की तरह का होता है, और दूसरा मेटेलिक स्टेंट। मेटेलिक स्टेंट एक जाली की तरह होता है, मैश की तरह होता है, उसकी डायमीटर करीब 10 मिलीमीटर होती है और उसकी लंबाई 6 से 8 मिलीमीटर होती है। तो ये स्टेंट जब हम पित्त की नली में लगाते हैं तो उससे पित्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और जो स्ट्रिक्चर है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। और फिर जो हमने जो साइटोलॉजी की जांच करी है उसका जो रिपोर्ट आता है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उस रोगी का आगे क्या करना होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो अच्छा सा प्रोसीजर है ईआरसीपी, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ईआरसीपी का सबसे प्रमुख जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पेनक्रियाटाइटिस। ईआरसीपी करने के 6 से 12 घंटे बाद अगर हमारे रोगी के पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, उसको उल्टी होती है, उसको हल्का बुखार आता है और उसका पेट फूल गया है, तो इसका मतलब उसको पेनक्रियाटाइटिस हो गई है। ऐसे में हम लोग रोगी की खुराक बंद कर देते हैं, उसको हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं, कभी कभी नाक में एक पतली सी नली डाल करके पेट में से थोड़ी हवा और पेट का जो एसिड होता है उसको बाहर निकालते हैं, और ऐसा करने से सामान्यतया ये पेनक्रियाटाइटिस 2-3 दिन में पूरी ठीक हो जाती है, कभी कभार ये लंबी भी चल सकती है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है ईआरसीपी का वो है ब्लीडिंग। जब हम पित्त की नली के मुंह को काट के चौड़ा करते हैं पथरी निकालने के लिए तो वहाँ से कुछ लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना 1% से ज़्यादा नहीं है। तीसरा ईआरसीपी का कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन। परफोरेशन यानी कि जब हम पित्त की नली के मुंह को नीचे से काट के चौड़ा करते हैं तो छोटी आंत में हल्का सा छोटा सा छेद हो सकता है, जिसको परफोरेशन बोलते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो कई बार रोगी को अस्पताल में 3-4 दिन रहना पड़ता है, उसकी खुराक बंद करनी पड़ती है, और कभी कभार अगर ये परफोरेशन बड़ा है तो रोगी को पेट का एक बड़ा ऑपरेशन करके इस परफोरेशन को बंद भी करवाना पड़ता है, जो कि एक ईआरसीपी का कॉम्प्लिकेशन है। अगर हमारा ईआरसीपी के कोई पेशेंट जो कि उम्र में थोड़े ज़्यादा है या उनको हार्ट की, किडनी की, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसे रोगियों को कभी कभी एनेस्थीसिया की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसका भी हमें ध्यान रखना होता है, और ये सब चीज़ें हम रोगी को प्रोसीजर से पहले अच्छी तरह से समझा देते हैं। ईआरसीपी खाली पित्त की नली ही नहीं बल्कि पेनक्रियास की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर किसी की पेनक्रियास जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, अगर किसी के पेनक्रियास की नस सिकुड़ गई है, उसमें स्ट्रिक्चर बन गया है, या अगर किसी के पेनक्रियास की नस में छोटी सी पथरी है जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट स्टोन बोलते हैं, जो कि अक्सर क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में देखे जाते हैं, तो ये स्टोन भी पेनक्रियाटिक डक्ट में से ईआरसीपी के दौरान निकाले जा सकते हैं। और अगर पेनक्रियाटिक डक्ट में स्ट्रिक्चर है तो उसके अंदर भी स्टेंट लगाया जा सकता है, और ऐसा करने से रोगी को काफ़ी फायदा होता है। धन्यवाद।